हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आलू जीरे की रेसिपी बताने वाली हूँ। वो बहुत क्विक और ईजी बन जाते हैं, तो बनाने में बस 5 मिनट टाइम लगता है। चलो आज का रेसिपी शुरू करते हैं। एक उबला हुआ आलू को मैं काट के ले आया हूँ, थोड़ा सा ऑयल और ग्रीन चिली, जीरा, नमक और प्याज। प्याज है ऑप्शनल, आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते। चलो एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल ली हूँ, 1 टेबल स्पून। उसके साथ मैं 1 टेबल स्पून जीरा लिया हूँ। जो आलू जीरा बने हैं तो जीरा का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ मैं थोड़ी देर इसी को भूजती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ग्रीन चिली लिया हूँ, उसको लंबे लंबे काट के लिया हूँ। ग्रीन चिली को थोड़ी देर इसे सोटे करेंगे, इसे थोड़ा सा पकना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर जो एक ओनियन काट के लिया था उसी के अंदर डाल रही हूँ। ओनियन आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से लेना। इस तरह मैं ये इसी को छोड़ रही हूँ। सारे सामान को अच्छे तरह मिला लेंगे और ओनियन को ना मीडियम फ्राई करेंगे, ज़्यादा अभी फ्राई मत करना, जैसे गोल्डन ब्राउन ना हो भी चलेगी। इस तरह तुरंत उसी के अंदर थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हो, चाहो तो रेड चिल्ली भी थोड़ा सा डाल सकते हो आपके हिसाब से। तब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, नमक से जल्दी पक जाता। ओनियन के पास कच्चे फ्लेवर जाना चाहिए। थोड़ी देर बस पकाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, 1 चुटकी। थोड़ी देर इसको चलाएँगे। तो यह अभी हो चुका है हमारा, ओनियन बिल्कुल हो चुका है। अभी ये उबला हुआ आलू को मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। आप आलू को उबाल के छोटे छोटे टुकड़े में उसको काट लेंगे, उसके बाद उसको डालना। बस थोड़ी देर इसी को इस तरह पकाएंगे, आप चाहो तो थोड़ी देर कवर भी कर सकते हो। अब मैं 2 मिनट के लिए उसको कवर कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम में इसको करना। अभी देखो हमारा आलू जीरा बन गई है। उसके साथ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल ली हूँ। बस हमारा आलू जीरा बन के रेडी हो गई। देखो बनने में तो बिल्कुल 5 मिनट ही लगते हैं, आप भी बनाओ। और कोई घर में गेस्ट आए तो आलू जीरा बना के तो वो खा के बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसी को भी मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब खा के बताना कैसे लग रही हो, और मुझे कमेंट में भी बताना।